स्वास्थ्य को सही रखने के लिए आसानी से बनने वाला हरी सब्जी झींगा खाएं। 1 kg झींगा ले लेंगे। इसे तोरी भी कहते हैं, अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसमें छिलके हार्ड धारी जैसा बना होता है, इसको छील लेंगे, धो लेंगे। पूरे छिलके को नहीं छीलना है, सिर्फ जहाँ हार्ड है उसी पार्ट को अलग करना है। अब इस तरह से काट लेंगे। इसको बनाने के लिए 2-3 प्याज लच्छेदार तरीके से काट लेंगे। हरी मिर्च स्वाद अनुसार काट लेंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं। 1-2 टीस्पून ऑयल कढ़ाई में गर्म करेंगे। मिर्च को पका लेंगे। कटे हुए प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब झींगा डालकर ढककर पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। थोड़ी देर पकने के बाद नमक स्वाद अनुसार और हल्दी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून डाल देंगे और इसको ढककर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पकाएंगे। पूरा पानी सुखा लेंगे। टेस्टी झींगा की सब्जी बनकर रेडी हो जाएगा। थैंक्स। तुरई को धोकर इस तरह से काट लेंगे। 6-7 हरी मिर्च काट लेंगे। 1 बड़ा प्याज काट लेंगे। कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा तड़का लेंगे। हरी मिर्च और प्याज जो काट के रखे थे उसको डाल देंगे। थोड़ा भून लेंगे। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब कटे हुए तुरई को डाल देंगे। उसके बाद हम इसको चलाएंगे, ढककर पकाएंगे। थोड़ा देर पकने देंगे। फिर इसमें नमक स्वाद अनुसार और हल्दी 1/2 टीस्पून डाल देंगे। फिर इसको ढककर थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए पकाएंगे। कुछ ही समय के बाद ये पक्का रेडी हो जाएगा। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होगा। थैंक्स। नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी दाल। तो इसको बनाने के लिए हम 1/2 कप अरहर दाल ले लेंगे। धो के कुकर में डालेंगे। 1 लीटर पानी डाल देंगे। 3-4 तुरई ले लेंगे। उसको धोकर इस तरह से काट कर दाल में डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देंगे। 2 सीटी लगाकर दाल को पका लेंगे। अब इसमें छौंका लगाएंगे। तो एक पैन को गर्म करेंगे। उसमें 1-2 चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। 1 टीस्पून जीरा तड़का लेंगे। 1 लाल मिर्च तोड़ के डालेंगे। अब इसमें दाल को ट्रांसफर कर देंगे। रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी दाल। नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तोरी की सब्जी। इसको हम काले चने के साथ बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तोरी को तुरई, नेनुआ इन सब नामों से भी जाना जाता है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए इसके छिलके कभी कभी थोड़े हार्ड भी होते हैं। अगर हार्ड छिलका है तो इसका छिलका जहाँ हार्ड है वो हटा लेंगे और जहाँ सॉफ्ट है उसको रहने देंगे। दोनों साइड को काट कर अलग कर देंगे। अब इनको हम इस तरह से 3-4 हिस्सों में काट लेंगे। फिर उसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे। तो इस तरह से हमारा तोरी कटकर रेडी हो जाएगा। 3-4 हरी मिर्च, 3-4 प्याज इन सबको बारीक काट लेंगे। 1 कटोरी भिंगोए हुए काले चने ले लेंगे। तो काले चने 7-8 घंटे के लिए पानी में भिंगो के रखे थे। अब इसको हम यूज करेंगे। तो सब कुछ हमने धो के काट लिया है बारीक। बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई गर्म करेंगे। उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत जीरा तड़का लेंगे। अब कटे हुए हरी मिर्च इसमें डाल देंगे, पका लेंगे। कटे हुए प्याज को भी डाल देंगे, थोड़ा भून लेंगे। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम इसमें भिंगोए हुए काले चने को भी डाल देंगे। इसको थोड़ा भूनेंगे, ढककर पकने देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब ये थोड़ा पक जाएगा तब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। इनको थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें कटे हुए तोरी को भी डाल देंगे। तो कटे हुए तोरी हम थोड़ा डालेंगे, फिर इसको चला लेंगे। फिर और भी तोरी को डाल देंगे और इसको ढककर पकने देंगे। थोड़ी देर में इसको चलाएंगे और ढककर पकने देंगे। 4-5 मिनट में हम इसको देखते रहेंगे, चलाते रहेंगे और पकने देंगे। धीरे धीरे ये तोरी गलते हुए काफी कम हो जाएगा। धीरे धीरे ये तोरी गलने लगेगा और इसी तरह से हम इसको पकाते रहेंगे। थोड़ी देर में ये पककर रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसको आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक।